हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में ब्रेन टीचर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 3600 विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब। फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, 3600 का हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या फाइंड हो जाए हम लोग को, परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 3600 का हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 3600 का एलसीएम फाइंड कर लेते पहले, 2 से होगा, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 2 0 जा 0 2 0 जा 0, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 0 जा 0 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, सॉरी 2 2 जा 4, यहाँ पे होगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 45, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसका पेयर बनाते हैं, 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 3 into 3, क्यूब रूट है तो क्यूब में हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं, ये 3 का पेयर बन गया और ये सब नहीं बन रहे, तो जिस जो भी पेयर नहीं बन रहे उसको हम लोग को इसमें क्या बोला है, विल मेक द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो किसका किसका प्रोडक्ट बन रहा है, 2 into 5 into 5 into 3 into 3, ठीक है। इसका पेयर नहीं बना, इसमें कितने का पेयर नहीं बना, 2 into 2, इसमें सिंगल पेयर नहीं बन पाया और इसमें भी 3। अब देखो ये बन गया, इसमें अगर हम लोग 2 times 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पेयर कंप्लीट होगा, 5 में 1 5, अगर हम लोग इसमें एक और 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका पेयर कंप्लीट होगा, 3 में एक और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर कंप्लीट होगा, इसलिए लिख दिए। तो क्या क्या हो गया, 2 into 2 into 5 into 3, ये हो गया प्रोडक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 60, ठीक है। इसका मतलब हम लोग 3600 में 60 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई बोला है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है, 60 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। 0 0 0 6 6 जा 36 6 3 हो गया 6 3 जा 21, और ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 21,06,000, ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 60 का, ठीक है। 60 को 3 times मल्टीप्लाई करेंगे, अभी सॉल्व करके भी देख लेते हैं, 60 into 60 into 60, ठीक है। 0 0 जा 0, ठीक है, 6 0 जा 0, 6 6 जा 36 into, अब 60, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, अब फिर से 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 0, ठीक है। 6 6 6 0 जा 0 6 0 जा 0 6 6 जा 36 6 3 आ गया कैरी 6 3 जा 18 18 प्लस 3 21, अब ऐड कर देते हैं, 0 0 0 6 1 2, आगे हमारा आंसर, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट क्या है, 60, और परफेक्ट क्यूब अगर इसको फिर जब हम 3600 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 21,06,000, ठीक है, या फिर 2,16,000, ठीक है, 2,16,000, ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 60 का। तो आंसर क्या होगा, 60, प्रोडक्ट भी 60 है, परफेक्ट क्यूब भी क्या होगा, 60। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो यहाँ पे लिखा है 3, अगर यहाँ पे ऐसे क्यूब का साइन है और यहाँ 3 लिखा है, मतलब इसका हम लोग को 3 का पेयर बनाना है, अगर 4 लिखा होता तो 4 का पेयर बनाते, इसलिए यहाँ 3 है तो हम लोग 3 का यानी कि क्यूब में सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ओनली रूट है, और अगर डायरेक्टली रूट का साइन बना हुआ है इसका मतलब इसमें ये क्या है, रूट, रूट कितने का होता है, 2 स्क्वायर का, तब इसका हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे इसको क्यूब रूट में, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.027 0.008 क्यूब है, 0.09 अपॉन 0.04 सब्ट्रैक्ट 1,
पहले इसको सॉल्व करते हैं। 27 बताई थी लास्ट वीडियो में, 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का, 3 लिख दिए, क्यूब है तो 3 का पेयर बनता है, तो 3 हो गया डॉट 0, यानी कि 0.027 किसका क्यूब रूट है, 0.3, ठीक है। अब यहाँ 0 है 0, पॉइंट है पॉइंट, 3 का पेयर बनना चाहिए, 3 का पेयर बन रहा है, और 8 किसका क्यूब रूट होता है, 2 का, तो यहाँ लिख दिए 2, ये दोनों का क्यूब रूट सॉल्व हो गया 0.3/0.2, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, तब इसका स्क्वायर में हम लोग रूट फाइंड करेंगे, 9 किसका रूट है, 3 का, और यहाँ रूट में क्या कहते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट के प्लेस में क्या हो जाएगा, 9 किसका, 3 का, तो 3 लिख दिए, 0 है तो 0.3, ठीक है, अपॉन। अब यहाँ पे 0.04, 2 का पेयर बन गया, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 जा 4 होता है, तो यहाँ 0.4 किसका हो जाएगा, 0.2, ठीक है, -1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, डिवाइड का साइन इसको चेंज करते हैं, 0.3/0.2 इंटू 0.2/0.3 सब्ट्रैक्ट 1। क्या रूल है, अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो ये डेसिमल साइन है वो अगर इक्वल प्लेस में हो तो वो कैंसिल हो जाता है, ये भी क्या है, वंस के प्लेस में है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 2/3 -1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ क्या आया 1, -1 क्या होता है 0, तो आंसर क्या होगा हमारा 0, ठीक है, बहुत ईजी, बस इसी टाइप से सॉल्व करना। अब 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला है, गैस द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हम लोग इसका गैशिंग करना है, अभी हम लोग चैप्टर में रीड किए थे कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर है 6859, ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका पेयर बनाएंगे, तो पेयर हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करना है, 3-3 का पेयर बनेगा, ये बन गया, ये सिंगल रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पेयर और ये हो गया सेकंड पेयर, ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट पेयर को ले लेते हैं, फर्स्ट पेयर क्या है हमारा 859, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करना है, वंस प्लेस को केयर करना है कि कौन सा नंबर है, वंस प्लेस में क्या है 9, तो अब हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उसके भी वंस के प्लेस में क्या आ जाए 9, 2 को करते हैं तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, वो नहीं होगा, 3 का करें तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये भी नहीं होगा, क्या लेंगे हम लोग 9, 9 से करते हैं, 9 को करके देखते हैं, 9 × 9 × 9, 9 9 जा 81, इंटू क्या हो रहा है 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 63, ठीक है, तो यहाँ पे वंस के प्लेस में 9 आ रहा है, हम लोग को इसको केयर करना है, इसका मतलब देखो 2 पेयर बन रहा है, यानी कि ये जो है इसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा 2 डिजिट में बनेगा, तो इसका फर्स्ट प्लेस वंस प्लेस में हमारा कौन सा नंबर आ रहा है 9, तो फर्स्ट प्लेस में हम लोग 9 लिख दिए, तो यहाँ पे हम लोग 9 ले लिए, ठीक है, फर्स्ट पेयर कंप्लीट हो गया। सेकंड पेयर क्या करना है, सेकंड पेयर हमारा क्या है 6 है, ठीक है, गैसिंग कर रहे, ठीक है, अब सेकंड पेयर क्या है 6, तो अब 6 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, 6 हो गया, अब देखो हम लोग को 6 के नियरेस्ट स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, अब हम लोग क्या ले लें, क्यूब में लेना है, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, अगर हम लोग 2 क्यूब लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1 क्यूब क्या हो जाएगा 1 इज लेस देन 6 एंड 6 2 का क्या 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, इसमें हम लोग गैसिंग वाले में क्या करते हैं, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसी को हम लोग लेते हैं, तो 6 का सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, गैसिंग करेंगे तो 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा हमारा नेक्स्ट नंबर 1, तो टोटल नंबर क्या बन रहा है 19, 6859 का क्यूब रूट क्या होगा 19, इस टाइप से गैसिंग करके फाइंड करना है। अब देखो पहले सॉल्व करके देख लेते हैं 19 होगा, यानी 19 × 19 × 19, ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 जा क्या होता है 361, ये कंप्लीट हो गया, अब ये 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 1 जा 19, ठीक है,
सॉरी 19 1 19 9 लिखे, 1 आ गया कैरी, 19 6 114, 14 + 1 15, 5 11 आ गया कैरी, 19 3 57, 57 + 11 क्या होगा 68, आगे आंसर 6850 है। तो इस टाइप से गैसिंग करना है, बहुत इजी है। फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया, अब देखो सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है, 12167। अभी हम लोग फिर फर्स्ट नंबर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर हो गया कंप्लीट, ये हो गया सेकंड पेयर, ठीक है। फर्स्ट पेयर में क्या है, 167। अभी हम लोग को ऐसे नंबर फाइंड करना है जिसका वंस प्लेस में क्यूब रूट, जब क्यूब सॉल्व करे तो क्या है 7, तो कौन सा नंबर होगा 3। सॉल्व करके देख लेते हैं, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, वंस प्लेस में 7 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे टू ग्रुप बनाए, यानी कि टू डिजिट फाइंड होंगे। तो फर्स्ट डिजिट क्या हो गया हमारे वंस प्लेस में 3, फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सॉल्व करते हैं, सेकंड क्या है 12। सेकंड में क्या करेंगे, यहाँ 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 12 आ रहा है। तो अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करेंगे, 12, ठीक है। अब देखो 1 1 जा तो 1 हो गया, 2 करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 2 क्यूब ले लिए, ग्रेटर में 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 क्यूब। अब इसको सॉल्व करके देखें, 8 < 12 < 27, 2 क्यूब जो है वो 12 से क्या स्मॉलेस्ट है और 27 जो है वो ग्रेटर है। इसमें गैसिंग में क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसी को हम लोग आंसर लेते हैं। स्मॉलेस्ट क्या है 8, 8 किसका क्यूब रूट है 2 का, तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2। तो अब इसका देखो 12167 ये किसका क्यूब रूट होगा 23, ठीक है। सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आंसर आ रहा है, यानी 23 × 23 × 23, ठीक है। 23 जा क्या होता है 529, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, नेक्स्ट 23 से फिर से करेंगे, 239 जा क्या होता है 207, 239 जा 207, 720 आ गया हमारा कैरी, 23 2 जा 49, दोनों को ऐड कर देते हैं, 9 4 2 6, ठीक है। 9 यहाँ लिख लिया, अब क्या आ गया हमारा 6 कैरी, 9। एक मिनट, यहाँ पे क्या है 23 2 जा क्या होगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 46। तो कैरी क्या था 20, 20 में 46 को ऐड कर दिए, क्या आ रहा है 6, 4 + 2 = 66, यहाँ क्या लिखेंगे 6, ठीक है, 6 आ गया हमारा कैरी। अब 23 5 जा क्या होता है 115 + 6 कर देते हैं, 6 + 5 = 11, 1 आ गया, 1 आ गया कैरी, 1 + 1 = 2, 1 क्या रहा 121, क्या रहा आंसर 12167, यही हमारा आंसर। तो 12167 किसका परफेक्ट क्यूब है 23 का, ठीक है। थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं, 32768। फर्स्टली क्या करेंगे, पेयर बनाएं, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ग्रुप में क्या है, लास्ट में 8 है, ठीक है। देखो टू ग्रुप है, यानी कि 2 डिजिट आएगा आंसर में। इसका लास्ट में क्या है, देखो फर्स्ट ग्रुप क्या है हमारा 7768, वंस के प्लेस में क्या है 8, और 2 क्यूब क्या होता है 8, तो सेकंड प्लेस में हम लोग क्या ले सकते हैं 2, ठीक है। अब क्या लेंगे, सेकेंड ग्रुप लेते हैं, सेकेंड ग्रुप क्या है हमारा 32। अब इसका हम लोग नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर और नियरेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, 32 ग्रेटर लेस देन एंड ग्रेटर देन, 32 है तो क्या ले लेंगे, अगर 3 लिए तो 3 क्यूब लिए तो क्या आता है 27 इज लेस देन 32। नेक्स्ट में क्या लेंगे 4 स्क्वायर, 4 4 = 16, 16 4 = 64, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को
ले लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 27 है। 27 किसका परफेक्ट क्यूब है? 3 का। तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 3। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा? 32। तो 32768 ये किसका परफेक्ट क्यूब है? 32 का। सॉल्व करके देख लेते हैं। 32 × 32 × 32। ठीक है, 32 को सॉल्व करते हैं। 32 जो क्या होगा? 1024 इंटू 32 का लेते हैं। 24 × 8 22 × 4 20 × 0 21 × 2 34 × 12 2 आ गया 1 कैरी। ठीक है, 1 कैरी। 32 × 6 + 1 7 30 × 0 31 × 3 8 4 + 2 6 ये हो गया 7 2 3 आ गया हमारा आंसर। बहुत इजी है, गैशिंग करेंगे तो पहले क्या करना है? ग्रुप बनाना है 3 3 का। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के बाद हम लोग को वंस प्लेस में कौन सा नंबर है ये देखना है, और फिर उसी के बेसिस में वंस प्लेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर एंड नियरेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। इसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? इसका सेकेंड नंबर। तो 32 इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हॉट्स का फर्स्ट नंबर इवेल्युएट। बहुत ईजी है, देखो इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्यूब रूट 288 क्यूब रूट 72 क्यूब रूट 27। इसमें क्या करेंगे हम लोग को जो इसके अंदर साइड है पहले उसको सॉल्व करना है। क्या है? क्यूब 27। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, 3 क्यूब का ना। इसमें क्या लिख लिए? 288 3, ठीक है, 72 ये किसका क्यूब है? 3 का। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे? 3। इसका क्यूब रूट हट गया, लिखते हैं ना क्यूब, और ये हो गया 3 क्यूब। ये कैंसिल हो गया, तो ये आंसर क्या हो गया? ओनली 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 लिख दिए। ठीक है, अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा आंसर? 32 × 6 73 × 21 ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 288 क्यूब रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे। 216 किसका क्यूब रूट है? 216 ये किसका क्यूब रूट है? 6 का। ठीक है, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 216। अब इसके प्लेस में क्या लिखेंगे हम लोग? 6। स्टेप वाइज 1 by 1 सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व। यहाँ क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई 3, अभी क्या आ रहा है? 6, तो मल्टीप्लाई 6 लिख दिए। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1728। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है? 1728। अब 1728 किसका क्यूब रूट है? किसका है? 12 का। यहाँ एग्जांपल में सॉल्व किए थे ना हम लोग, देखो इसको सॉल्व किए थे ना 1728, इसका आंसर क्या आया था? 12। ठीक है, अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग एलसीएम निकाल के भी सॉल्व करते हैं, एलसीएम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, और गैसिंग के थ्रू भी। गैसिंग करेंगे तो क्या हो गया? ये फर्स्ट पेयर बना और ये सेकंड पेयर। ठीक है, 8 है लास्ट में, तो हम लोग इसके प्लेस में क्या ले लेंगे? 2। 1 है, 1 का तो ऑब्वियस है कि 1 आएगा, तो क्या आ रहा हमारा? 12। तो 3³√1728 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 हमारा क्या है? फाइनल आंसर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड 4:4। द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 33,957। फाइंड द नंबर्स। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए रेशियो के फॉर्म में, और क्वेश्चन क्या हो रहा है? इन तीनों का सम किसके इक्वल है, किसके क्यूब के इक्वल है? 33,957। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर, ठीक है, अब
इसमें कैसे लिखना है देखो, अभी हम लोग को इसमें रेशियो क्या दिया है, 2:3:4। अभी हम लोग को मालूम नहीं, ये सिर्फ रेशियो बताया, तो क्या ले लेते हैं, लेट द नंबर बी 2x, 3x and 4x। नंबर हम लोग को मालूम नहीं, रेशियो मालूम है, इसलिए क्या ले लिए, 2x, 3x and 4x, इसी में x यूज कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर आर इन द रेशियो द सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी कि इनका जो सम करेंगे, किसको सम करेंगे, क्यूब को, क्यूब में कैसे, क्यूब बोला है। अब देखो 2x + 3x + 4x इनका सम बोला था, ठीक है, तो सम कर लिए, सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब्स बोला है तो क्यूब्स लगा लेंगे, यूज करेंगे क्यूब्स, ठीक है, आर इक्वल्स टू 33,957। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा 8x³ + 3 3 जा 9, 9 3 जा 20, 7x³ + 4 4 जा 16, 16 4 जा 64x³, क्या हो जाएगा 33,957। अब 9, अब इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करने से क्या हो जाएगा 7 + 4 11, 11 + 8 19, 9 हो गया, ठीक है, 1 क्या गया कैरी, 6 + 1 7, 7 + 2 9, क्या रहा है आंसर 99, 33,957, ठीक है। अब इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, नाइन्टी नाइन से जब 33,957 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 343, ठीक है, x³। अब इसका हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं, अब इस देखो यहाँ क्यूब है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट, दोनों साइड, बोथ साइड वी मल्टीप्लाइड विद क्यूब रूट, क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया x = 343, किसका क्यूब रूट है 7 का, तो आंसर क्या हो जाएगा x = 7। डाउट है तो मल्टीप्लाई करके रफ में देख लेते हैं, 7 × 7 × 7, 7 × 7 = 49 × 7, 7 × 9 = 63, 3 6 आ गया कैरी, 7 × 4 = 28, 28 + 6 = 34, आ गया हमारा आंसर 343, किसका क्यूब रूट है, परफेक्ट क्यूब रूट 7, x की वैल्यू 7 है। अब क्या करेंगे, हम लोग को रेशियो दिया, अब नंबर फाइंड करने के लिए इस रेशियो में x के प्लेस में 7 पुट करेंगे, ठीक है, 2x = 3x and 4x, 2 है 2, x के प्लेस में क्या लिखेंगे 7, 7 × 2 = 14, 3 × x, 7 × 3 = 21, 4 × 7 = 28, ठीक है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 14, 21 and 28, ये हमारे 3 नंबर्स, ठीक है। अगर आप लोगों को डाउट होगा कि जो है नंबर हम लोग लेकर के आए हैं ये करेक्ट है या नहीं है, 14, 21 and 28, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 14³ + 21³ + 28³, पहले इसका क्यूब फाइंड करेंगे, फिर क्यूब जो आएगा उसको ऐड करेंगे, अगर ऐड करने से आंसर आएगा आपका 33,957, इसका मतलब आप जो सॉल्व किए हैं वो क्या है, करेक्ट है। ऑड्स हमारे कंप्लीट हो गया, लास्ट क्या है, एनरिचमेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 47,41,632 बाय एस्टिमेशन। अभी एस्टिमेशन के थ्रू हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इस नंबर का क्यूब रूट, इजी है, अब इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है, अब गिवन नंबर क्या है,
47,41,632। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका ग्रुप बनाएंगे, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप और ये हो गया सेकंड ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप क्या है, 632। अब इसमें लास्ट नंबर क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वी नो दैट इसमें क्या है 4741। सेकेंड ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। तो ये किसका जगह, 16 क्यूब 17 क्यूब 16 क्यूब, 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 4096 इज लेस देन 4741 एंड इज लेस देन 17 क्यूब क्या होता है, 4930, ठीक है। नंबर क्या लेते हैं, जो भी स्मॉलर नंबर होता है, तो वी विल राइट स्मॉलेस्ट नंबर इन दोनों में क्या है, 16, तो क्या ले लेंगे हम लोग, 16, ठीक है। तो सेकंड नंबर हम लोग को फाइंड हो गया, क्या हो गया, 16। अब देखो सेकंड ग्रुप तो हम लोग सॉल्व कर लिए, अब देखो फर्स्ट ग्रुप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ग्रुप क्या है, 632, अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2। तो अब हम लोग को ऐसे नंबर को फाइंड करना है जिसको जब हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उसका लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 2। सो वी नो दैट लास्ट डिजिट इज 2 एंड 8 क्यूब इज इक्वल टू 512, इट्स 12, ठीक है। 8 क्यूब क्या होता है, 512, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2। हम लोग को भी क्या चाहिए, लास्ट डिजिट 2, इट लास्ट डिजिट इज ऑल्सो 2। अब क्या, इसीलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी विल राइट 168। देखो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आया, फर्स्ट नंबर हम लोग क्या लेकर के आए, 8। तो फर्स्ट प्लेस में क्या लिखे, 8, ठीक है। सेकंड ग्रुप क्या था, सेकंड ग्रुप का आंसर हमारा क्या आया, 16, सेकंड प्लेस में लिखे 16, तो आंसर क्या बन रहा है, 168 किसका परफेक्ट क्यूब है, 47,41,632, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा ब्रेन टीजर हॉर्स एंड इनरिचमेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 एक्सपोनेंट एंड रेडिशियल कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।